हेयर फॉल एंड हेयर थिनिंग सबका कंसर्न स्पेशली इन द मॉनसून सीजन इतने सारे एक्सपेंसिव हेयर सीरम्स हैं मार्केट में फॉर हेयर ग्रोथ बट इतना पैसा क्यों खर्च करना वेन यू कैन गेट बेटर रिजल्ट फॉर जस्ट फ्रैक्शन ऑफ द प्राइस तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द टॉक ऑफ द टाउन रोजमेरी वॉटर जो कि ना केवल आपके हेयरफॉल रोकने में इफेक्टिव है साथ ही साथ इट विल हेल्प यू विद न्यू हेर ग्रोथ सो येस इफ यू आर इंटरेस्ट कीप वॉचिंग दिसो टिल द वेरी वेरी एंड बट इफ यू न्यू टू दैनल टेक अर अवमेंट हिट दट रेड सब्सक्राइब बट And now, without any further blabbering, let's just dive right into the video. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ रोजमेरी रोजमेरी बेसिकली एक अर्ब होता है यहाँ मैं फोटो अटैच कर दूंगी जो कि कुकिंग में यूज होता आया है बहुत सालों से इट हैज बीन इन मेडिसिनल बट आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रोजमेरी के हेयर ग्रोथ बेनिफिट्स के बारे में इट रिड्यूस इन्फ्लोमेशन स्टिम्युलेट हेयर फॉलिकल्स एंड इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन ऑन आर स्कैल्प एंड हम सबको पता है कि वो कितना ज्यादा जरूरी है फॉर न्यू हेयर ग्रोथ एंड इफ यू गाइस डोंट नो इट इज प्रवन की जो रोजमेरी कॉन्सेंट्रेट होता है इट वर्क सिमिलर टू मिनोक्सीडिल मिनोक्सीडिल एक हेयर ग्रोथ मेडिकेशन है जिसका रोजमेरी एक नेचुरल ऑल्टरनेटिव है मिनॉक्सीडिल से काफी लोगों को स्कैल्प इरिटेशन होता है बट रोजमेरी से ऐसा कुछ भी नहीं होता बिकॉज अगेन इट इज अचुरल ऑल्टरनेटिव फॉर मिनॉक्सीडिल एंड इट इज कम्पेरेटिवली बेटर टॉलरेटेड तो ये तो हो गए रोजमेरी के बेनिफिट एंड आप लोगों को पता चल ही गया होगा की रोजमेरी आपके हेयर के लिए कितना ज्यादा अच्छा है तो आप बात कर लेते हैं कि आपको रोजमेरी कैसे यूज करना है सो so बेसिकली आप मार्केट से ऐसे हेयर ग्रोथ ऑयल्स ले सकते हो जिसमें रोजमेरी हो बट ऑब्वियसली घर पे अगर आप प्रिपेयर करोगे तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड विल बी इवन मोर बेनिफिशियल एंड इसमें हो सकता है कि कुछ और भी एडेड केमिकल्स एडेड यू नो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होंगे बट वेन यू मेक इट एट होम यू नो कि आपने एकदम प्योरली रोजमेरी ऑयल या रोजमेरी वाटर ही बनाया है सो इट डेफिनेटली डज परफॉर्म बेटर पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ बिकॉज आई एमटीट दिस बॉटल एंड आई डू यूज़ नेचुरल रोजमेरी घर पर खुद बना के सो दैट परफॉर्म्स बेटर अब आप रोजमेरी ऑयल भी बना सकते हो इफ़ यू लाइक टू चम्प योर हेयर अगर नहीं तो आप रोजमेरी वाटर बना सकते हो अब मैं ऑयलिंग ऑन एंड ऑफ करती रहती हूँ एंड बिकॉज आई हैव दिस ऑयल तो मैं रोजमेरी वाटर घर पे बना लेती हूँ बट समाइम्स आई डू मेक रोजमेरी ऑयल ऑल्सो तो आप कॉमेंट्स बताना अगर आपको रोजमेरी ऑयल की भी रेसिपी जाननी है तो बट आज हम बात करने वाले हैं रोजमेरी वाटर के बारे में तो इस तरीके का रोजमेरी का प्लांट दिखता है अगर आपके पास घर में है आप लगा सकते हो अपने घर में भी तो आप फ्रेश लीव्स भी यूज कर सकते हो बट अगर आपके पास नहीं है जस्ट लाइक मी तो आप एमेजोन से इस तरीके की ड्राइड रोजमेरी लीव्स मंगा सकते हो ये बहुत ही सस्ता आता है मतलब ये आपको इजीली 150 से

एवरी डे अप्लाई करोगे तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे एंड आप इसको येस एवरीडे अप्लाई कर सकते हो एंड आपको अगले दिन बाल नहीं धोने की ज़रूरत है बिकॉज पानी ही है एक तरीके से एंड इट विल अब्जॉर्ब ब्यूटिफुल इंटू योर स्कैल्प बट मेक श्योर कि आपने इसको रात में जब लगाया है तो आप अपने बालों को पूरी तरीके से ड्राई होने दो उसके बाद ही आप सोना बिकॉज वेट हेयर लेके अगर आप सो जाओगे तो आपको हेयर फॉल और बढ़ जाएगा तो जो आपने ये बनाया है एक बार बनाने के बाद आप इसको सिर्फ एक वीक तक यूज़ करोगे एंड आई विल रेक कि आप इसको फ्रिज में ही स्टोर करके रखना ठंडा ठंडा भी लगता है बालों पर एंड इट स्टेज फ्रेश फॉर लौंग एक हफ्ते से ज्यादा यूज मत करना हर हफ्ते एक नया बैच बना लो मुश्किल से पंद्रह मिनट लगते हैं तो एवरी संडे मेक अ रूटीन एंड एवरी संडे यू मेक दिस फॉर योर सेल्फ एंड एक हफ्ता पूरा यूज करो अगर आपको लगता है कि हफ्ते के एंड में बच गया है ज्यादा तो वेस्ट नहीं करना तो वॉट यू कैन डू इज संडे को वैन यू आर वॉशिंग योर हेयर तो शैम्पू कंडीशन करने के बाद लास्ट में यू जस्ट पोर इट ऑल ओवर योर हेयर एंड उसको 10-15 मिनट के अपने बालों में छोड़ के देन यू कैन वॉश इट ऑफ विद वाटर और इवन इफ यू डोंट वॉश इट इट ऑफ वर्क्स फाइन रात में यूज कर रहे हो तो मिनिमम दो से तीन बार वीक में तो जरूर यूज करना आई रिकमेंड की रोज यूज करो बट जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप शैम्पू कंडीशन करने के बाद इसको एक रिंस ऑफ की तरह भी यूज कर सकते हो तो रिंस ऑफ की तरह सिर्फ हफ्ते में एक ही बार यूज करना उससे ज्यादा नहीं तो आपको इसके रिजल्ट्स एक महीने में तो बहुत विजिबली दिखने लग जाएंगे एक महीने तक इसको कंसिस्टेंटली यूज करके देखो एंड यू गाइस विल सी सच अ ह्यूज डिफरेंस इन योर हेयर हेल्थ मुझे डेंगू हो गया था लास्ट ईयर एंड उसके बाद मुझे एक्सट्रीम हेयर फॉल हुआ था आई कैन नॉट इवन टेल यू गाइज लाइक वो जो छोटा मोटा हेयर फॉल होता है ना दैट इज जस्ट अनदर थिंग मेरे एक बार में इतने सारे बाल गिर रहे थे इट फेल्ट लाइक आई एम गोइंग बोल्ड एंड आई वॉज रियली रियली स्ट्रेस्ड अबाउट इट इट है नो टोल

तो इसको यूज करने से पहले आप एक पैच टेस्ट करके देख लेना यहाँ पे एकदम बॉटम इधर आपके स्कैल्प के बॉटम में यहाँ पे स्प्रे टू टू थ्री स्प्रेस एंड पंद्रह बीस मिनट आधा घंटा अप्लाई करके देखो कि आपका अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है रेडनेस इचनेस एलर्जी कुछ नहीं हो रहा है तो दैट मीनस इट इज जस्ट सेफ फॉर यू टू यूज एंड देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट ऑन योर एंटायर स्कैल्प एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको रेडनेस हो रहा है इचनेस हो रही है या कोई भी टाइप की एलर्जी हो रही है सो मे बी यू आर एलर्जिक टू रोजमेन